अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज द्वारा आयोजित जिला स्तरीय भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई है। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया। होटल नरेंद्रा पैलेस में आयोजित सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा में जनपद भर के 1400 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों को पुरस्कृत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों का बौद्धिक व चारित्रिक विकास होता है। गायत्री विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य दुर्गा असवाल, शांति कुंज हरिद्वार के आचार्य बसंत वल्लभ पांडे, हरि सोनी, किशन सिंह मरड़ा आदि ने आयोजन की सराहना करते हुए बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन मनीष पांडे ने किया। अखिल भारतीय गायत्री परिवार हरिद्वार द्वारा हर साल की भांति इस साल भी सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा आयोजित कराई गई थी। ये 2022 की परीक्षा थी जिसके परिणाम आज 2023 में हमने बच्चों को सर्टिफिकेट और उनके पारितोषिक के द्वारा दिए गए। बागेश्वर के जितने भी मैक्सिमम विद्यालय थे उसमें शामिल हुए और इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय उनको भी आना था लेकिन समय अभाव के कारण वो नहीं आ पाई। इसमें मुख्य अतिथि हमारे नगर के नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल जी रहे, विशेष अतिथि में श्री नरेंद्र खेतवाल जी रहे। उनके द्वारा निःशुल्क हमको अपना होटल हमें दिया गया, कमरा दिया गया, उसमें व्यवस्थित तरीके से आज कार्यक्रम रहे जिसमें तमाम परिजन और विभिन्न स्कूलों के बच्चे वहाँ उपस्थित रहे और हमारे गायत्री परिवार के परिजन वहाँ उपस्थित रहे और बढ़िया सा एक प्रोग्राम संपन्न हुआ। इसके लिए सभी गायत्री परिवार के लोगों को और सभी परिजनों को उसके लिए सब धन्यवाद रहा। जनपद बागेश्वर में गायत्री परिवार द्वारा या भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के परीक्षा जो कराई गई उसका उद्देश्य यह था कि बच्चों को हरे सभी विद्यालयों से बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास हो, बच्चों के अंदर भारतीय जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति के हिसाब से बच्चों के संस्कार बने रहें। उसमें उसी का पेपर आता है, वही पेपर के हिसाब से बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। और जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ऐतिहासिक पूर्वज थे, उनका सबका उसमें हमने सम्मिश्रण किया हुआ है। वो परीक्षा बच्चों को देनी थी, उसमें प्राइवेट विद्यालय भी थे, सरकारी विद्यालय भी थे और हमारे जो अन्य विद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के बच्चों ने भी उसमें सहभागिता की। लेकिन कुछ बच्चे निकल पाए हैं, कुछ नहीं निकले हैं। जो नहीं निकले हैं उनको सांत्वना के लिए हमने सांत्वना पुरस्कार भी रखा था, वो दिया है उनको। Guna di daya guna.
सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।